आज का है हमारा बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो बिल ऑफ मटेरियल टॉपिक में क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टैली प्राइम में ज़्यादातर यूज़ तो हम किसके लिए करते हैं, ट्रेडिंग और सर्विसेज के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि परचेज सेल वगैरह की एंट्री या बिल बनाने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो BOM क्या होता है, हमारा बिल ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल में हमें क्या करने को मिल जाता है कि जैसे कि अगर हमें ये देखना हो कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो हमने कितना यूज़ कर लिया है प्रोडक्शन में, ठीक है, यानी कि जो हमने प्रोडक्ट बनाए हैं उसमें हमने कितना रॉ मटेरियल यूज़ कर लिया है, इसकी जानकारी अगर हमें रखनी हो तो उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमें ये पता करना हो कि जैसे कि अगर हमारी कोई कंपनी ऐसी है जहाँ पर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो अब उसकी हमें कॉस्ट भी तय करनी होती है कि अगर हम इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो हमें ये प्रोडक्ट कितने रेट पे बेचना है, तो उसकी प्रोडक्ट भी अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी प्रोडक्टिव रेट उसका कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है हमें पूरा जब हम इस पर काम करेंगे तो ये बताएगा कि अगर हम एक प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो उसका रेट क्या होना चाहिए जो हमने रॉ मटेरियल से बनाया होगा, तो ये अपने आप कैलकुलेट करके हमें बताएगा। तो उससे कम पर हमें नहीं बेचना है किसी को, अगर हम उससे कम पे बेचेंगे तो हम नुकसान में जाएंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन करके हमें बताएगा और हमें एक रेट देगा कि इस रेट पे बेचो या इस रेट से ज़्यादा पे बेचो, तब आप प्रॉफिट में होगे, अदरवाइज आप जो है इस रेट से नीचे जाके बेचोगे तो आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने में भी इसका फ़ायदा होता है। तो इसका जो यूज है दो काम में होता है, ठीक है। एक तो ये पता करने के लिए कि रॉ मटेरियल कितना खर्च हो रहा है जब हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो रॉ मटेरियल का हिसाब किताब रखने के लिए। दूसरा ये कि जो हमने प्रोडक्ट बना लिया है उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो ये डिसाइड करने के लिए। तो दो पर्पज़ से इसका यूज होता है और ये छोटा सा ही फीचर है इसके अंदर, और ओनली एक ही फीचर है इससे रिलेटेड बिल ऑफ मटेरियल के नाम से। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कंपनी बनाओगे, ठीक है, और कंपनी बना के उसमें हम काम करेंगे, क्रिएट कंपनी करो। BOM के नाम से बना, इसका जो फीचर इनेबल होगा वो यहाँ पर कहीं पे भी मेंशन नहीं रहता, वो अंदर हम जब टैली में वर्क करेंगे तब तो वहाँ पे ही हमें इनेबल करना होगा, ठीक है, यहाँ से नहीं इनेबल होता। इन्वेंट्री ऑन रहेगा क्योंकि स्टॉक का ही तो काम है, ठीक है, इन्वेंट्री ऑन रहेगा, GST ऑफ कर दो। और जो BOM का फीचर है वो यहाँ नहीं होता, ठीक है, वो स्टॉक वाले में मिलेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल का स्टॉक बनाएंगे, ठीक है। स्टेप टू हमारा क्या होगा कि रॉ मटेरियल्स हमें बनाने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम पर डायरेक्ट पहुंचेंगे। अब हम यहाँ से डायरेक्ट ही स्टॉक आइटम बनाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट स्टॉक आइटम बनाएंगे और उसमें हमारा जो स्टॉक होगा वो किसका होगा, एक हमारी बॉटल बनाने वाली कंपनी, वाटर बॉटल बनाने वाली कंपनी है, तो उसके पास जो रॉ मटेरियल है वो ये है कि आप जो है यहाँ पे एक एम्प्टी बॉटल रहेगी उसके पास, फिर उसके कैप्स भी रहेंगे, फिर उसके पास जो लेबल होगा वो लेबल होगा, ठीक है। तो ये उसका रॉ मटेरियल रहेगा और उसके बाद जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, स्टॉक आइटम वाटर बॉटल के नाम से हम वो बनाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, चार चीज़ें बनानी, तो पहले ये बनाओगे तब ये बनाओगे, ठीक है। तो स्टॉक आइटम हम सबसे पहले एम्प्टी बॉटल लेते हैं, इसका अंडर प्राइमरी है और कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, कैटेगरी यहाँ पर नहीं रखी गई है, कोई कंपनी नहीं है ऐसी ज़्यादा, ठीक है, या कंपनी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो इसमें। वैसे क्या है हमारा, एंड प्रेस एंटर, ठीक है, बिस्लेरी के नाम से नहीं, बिस्लेरी नाम से हमारा प्रोडक्ट बनेगा मेन, ठीक है, मेन प्रोडक्ट बिस्लेरी के नाम से बनेगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे इसने कैटेगरी नहीं रखी है, क्योंकि जब यहाँ पे यूज कर लिया तो फिर वहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इतना हमें करना है, तो ये सारे हमारे रॉ मटेरियल्स हैं। तो सबसे पहले आप वाटर बना लो और वाटर के लिए हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, तो ये क्रिएट करो, स्टॉक आइटम में जाओ, तो सबसे पहला रॉ मटेरियल वाटर होगा, जब वाटर बॉटल बनेगी उसमें वाटर होगा, ठीक है। अंडर प्राइमरी कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, यूनिट यूनिट पहले यूनिट क्रिएट करो, यूनिट बॉटल आएगी, ठीक है, तो यहीं से क्रिएट करोगे और बॉटल कर दोगे, बॉटल हाँ बॉटल नहीं नहीं बॉटल है ये रही ना, अच्छा कितने बॉटल वाटर है वो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा ना,
ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे इसे सेव कर दो, रुक जाओ, क्वांटिटी वगैरह होगी। क्वांटिटी 20 है, 7 रुपये रेट है, ठीक है इसका। तो यहाँ पे आ जाओ, क्वांटिटी 20 बॉटल है हमारे पास, 7 रुपये रेट है, 140 रुपये का रॉ मटेरियल है हमारे पास। इसके बाद सेकंड है हमारा एम्प्टी बॉटल्स, एम्प्टी बॉटल्स बना दो। एम्प्टी बॉटल की यूनिट दूसरी बनानी पड़ेगी, NOS आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी वगैरह तो नहीं रहेगा, यहाँ पे यूनिट बना दो NOS। ठीक, ये कितने हैं, 20 हैं, क्वांटिटी तो 20 ही लिख दो, लिखो 20। 20 क्वांटिटी है, 3 रुपये के रेट से है, ठीक है। तो ये 60 रुपये के हमारे पास बॉटल है एम्प्टी। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या बनाने, कैप्स बनाने हैं। तो कैप्स में हमारा 20 दो है, ठीक है ना। चलो, NOS और यहाँ पे 20, यहाँ 2, ठीक, कंट्रोल। नेक्स्ट है लेबल, लेबल है 20 दो के हिसाब से ही है, लेबल कर दो। और तो ठीक है। तो ये हमने क्या बना लिए, रॉ मटेरियल बना लिए। अब हम एक पूरा मटेरियल यहाँ पे बना लेते हैं, जो हमारा मेन प्रोडक्टिव मटेरियल होगा। तो उसमें हमें क्या करना है, बिस्लेरी नाम से बनाना है, अंडर प्राइमरी रहेगा, और यहाँ पे कैटेगरी मिनरल वाटर आ जाएगी इसकी, ठीक है। और यूनिट बॉटल ही रहेगी, और इसमें हम सेट BOMS, यहाँ पर हम करते हैं सेट BOMS, ठीक है। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नाम लिखो बिस्लेरी, अंडर प्राइमरी रहेगा, कैटेगरी बना लेंगे, कैटेगरी क्रिएट करेंगे मिनरल वाटर के नाम से, ठीक, बॉटल। तो इतना हमें करना है। अब इसमें देखो, हमें अब यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, इतना हमने भर दिया, ये कॉमन था। अब यहाँ पे हमें सेट BOM ऑप्शन यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है, यहीं पे होता है सेट BOM ऑप्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे, और वहाँ पे हमें सेट कंपोनेंट लिस्ट के नाम से ऑप्शन मिलेगा, उसको यस कर लेंगे यहीं पे। तो F12 करो, और यहाँ नीचे आपको मिलेगा कंपोनेंट लिस्ट ऑफ मटेरियल एरर, यहाँ पे यस करोगा, कंट्रोल से सेव। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड होके मिल जाएगा, तो इसको आप यस करो। यस करोगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आप किस नाम से बनाना चाह रहे हैं, तो आप लिखोगे यहाँ पे बिस्लेरी का बना रहे हैं, ठीक है। तो बिस्लेरी के नाम से आपको भी बनाना। आगे करोगे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, आपकी कितने यूनिट का, एक यूनिट, एक यूनिट, यानी कि यहाँ पे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर का मतलब है कि आप कितने के हिसाब से आप बता रहे हैं हमें, यानी कि आप इसमें कैलकुलेशन का जो रेशियो बता रहे हैं वो किसके लिए बता रहे हैं, एक बॉटल के लिए बता रहे हैं ना, एक बॉटल में कितना कितना आइटम लगेगा, ठीक है, ये चीज़ बता रहे हैं। तो एक बॉटल में एक कैप लगता, ठीक है, कैप बता दो, एक लगेगा, ठीक है। इसके बाद एम्प्टी बॉटल भी एक लगेगी, ठीक। इसके बाद यहाँ पे लेबल भी एक लगेगा। अब इसमें हम देख लेते हैं वाटर का कितना रेशियो है। तो यहाँ पे ये है, ये है, एक बॉटल वाटर लगेगा, ठीक है, वाटर का भी रेशियो एक बॉटल, ठीक है। तो एक जब हम बनाएंगे, एक बिस्लेरी बॉटल पूरी तैयार होगी, तो उसमें एक कैप, एक एम्प्टी बॉटल, एक लेबल और एक बॉटल वाटर लगेगा, ठीक है, कंट्रोल ए से सेव कर। तो अब ये अपने आप यहाँ से उठा लेगा। अब आप दूसरा अगर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, बाकी नहीं है तो कंट्रोल ए से सेव करके बाहर आओ। तो ऐसा अगर हमारे पास है तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास पहले से ही कोई प्रोडक्टिव मटेरियल तो बना हुआ नहीं है। अगर होगा तो हम क्या करेंगे, उनको यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे 2 बॉटल ऑलरेडी बनी हुई है तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। बट अभी हमारे स्टार्टिंग है, तो हम यहाँ पे कोई भी हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे मेंशन नहीं रखेंगे, कंट्रोल ए से सेव कर दोगे। तो ये हमने स्टॉक का सेटअप कर लिया, सेव हुआ, कंट्रोल ए, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे स्टॉक का सेटअप किया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमें इसके लिए एक वाउचर बनाना पड़ेगा। इसका कोई वाउचर होता नहीं है, ठीक है, टैली के अंदर मैंने बताया, क्योंकि टैली का पर्पज़ इसके लिए होता ही नहीं है। बट इसने फीचर दे रखा है, तो हम उसको एक्टिव करेंगे और उसके अकॉर्डिंग सेटअप करेंगे, तब ये हमारा काम करेगा। तो यहाँ पर जो वाउचर टाइप है, जैसे कि वाउचर होते हैं ना हमारे, पेमेंट का वाउचर, सेल का वाउचर, तो इसके लिए कोई वाउचर होता नहीं है। तो इसके लिए जब कोई वाउचर होता नहीं है, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा।
ठीक है। तो पुरानी टैली में तो हम अल्टर करते थे वाउचर में जाके, स्टॉक जनरल का जो वाउचर होता था उसमें जाके हम उसका बस नाम बदल देते थे मैन्युफैक्चरिंग जनरल, तो हमारा काम हो जाता था। पर इसमें अल्टरेशन अलाउड नहीं होता है वाउचर टाइप में, टैली प्राइम के अंदर हम किसी भी वाउचर टाइप में जाके अल्टर नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जनरल के नाम से एक वाउचर क्रिएट करेंगे जिसका अंडर ग्रुप क्या होगा, स्टॉक जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जाना है, और इससे आपको एक और चीज़ सीखने को मिल रही है कि आप वाउचर टाइप कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है। तो वाउचर टाइप आपको कैसे क्रिएट करना है, बैक करोगे, बैक में आपको क्रिएट में है आप वाउचर टाइप में आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे नाम डालोगे मैन्युफैक्चरिंग जनरल, मैन्युफैक्चरिंग जनरल नाम डाल के, और यहाँ पे अंडर इसका सेट करोगे स्टॉक जनरल, ठीक है, एंटर। अब यहाँ पे नेक्स्ट, अब इसके बाद यहाँ पे हम कुछ सेटअप देख लेते हैं हमें कौन कौन से। एक तो देखो ये ऑप्शन तो आपको हर हाल में यस करना, यूज़ एज अ मैन्युफैक्चरिंग जनरल, बाकी ऑप्शन में आपको छूट है कि आपको करना हो तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यस करेंगे तो अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, एक ये वाला थोड़ा काम का ऑप्शन है, बट ये कोई ज़रूरी नहीं कि इसके लिए करना है, पर यहाँ पे जब हम वाउचर टाइप भी सीख रहे हैं तो हमें यहाँ पे ये एक ऑप्शन थोड़ा ध्यान देना, इसमें हम थोड़े एडवांस सेटअप कर सकते हैं, यस करो आप इसे, ठीक है। तो एडवांस सेटअप में ये होता है कि हम इसके अंदर जो है बिल नंबर वगैरह ये सारी चीज़ ऑलरेडी सेट कर देते हैं ताकि ये अपने आप बिल नंबर ले ले, अपने आप ही अपना काम करे, ठीक है। तो ये सारा सेटअप हम वाउचर टाइप में जाके कर लेते हैं। तो इसके लिए देखो हमने यहाँ पे इसके हिसाब से कैसे किया है, तो हमने इसमें बताया कि जो इसके बिल की स्टार्टिंग होगी वो 101 से होनी, ठीक है, और तीं ही डिजिट में चलेगा, यानी 101 से लेकर 999 तक चलना है बस, ठीक है। तो तीन डिजिट में चलेगा। इसके बाद अब आपको 101 से पहले कुछ लगाना है, तो 101 से पहले कुछ लगाना है तो वो आप यहाँ बताओगे प्रीफिक्स वाले में, हमें लगाना है BUM, और 101 के बाद लगाना है कुछ तो वो आप बताओगे सफिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो है ये रहा, तो आप क्या करोगे स्टार्टिंग नंबर 101 डालोगे, 101, ठीक है, और हमने डिजिट भी फिक्स कर दी यहाँ पे, तीन ही डिजिट में हमें चाहिए, ठीक है, ताकि वो 999 से बाहर ना जाए, और प्रीफिक्स विद 0 हमें नहीं चाहिए, यानी कि जैसे कि हम 101 के आगे 00 लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो नो कर देंगे, आप नेक्स्ट करो। अब यहाँ पे हमें बताना है रीस्टार्टिंग नंबर ये कहाँ से होगा, स्टार्टिंग नंबर कहाँ से होगा, जैसे कि अब हम इस पे 101 से वर्क कर रहे हैं तो ये कब तक चलता रहेगा आगे, जब तक ये एक ईयर कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से लेके एक ईयर जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, और 999 तक जाएगा। कब रुकेगा, या तो 999 होने पर रुकेगा या साल ख़त्म होने पर रुकेगा, तो फिर जैसे ही आपने ईयर चेंज किया वो फिर से 101 से चालू हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इधर आओ एंटर करके, तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये कह रहा है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होता है कि हम 101 के आगे क्या लगाना चाहते हैं, तो आगे हम लगाना चाहते हैं BOM, कैपिटल में BOM / ठीक है, तो ये हम लगाएंगे तो हमारा नंबर क्या बनेगा BOM / 101, ठीक है। अब पीछे क्या लगाना चाहते हैं, पीछे हमारा लगेगा यहाँ पे आ गया हो, तो यहाँ पे हमें एक स्लैश लगाना है और ईयर मेंशन करना है 2324, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब अपने आप को नंबर बनाएगा, तो ये वाउचर टाइप में एक थोड़ा हमारा होता है, ऐसा ही आप परचेज के वाउचर में कर सकते हो, ऐसे ही आप सेल के वाउचर में कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल ए से सेव करोगे तो ये हो गया, आप कंट्रोल ए से दोबारा सेव कर दो, तो ये हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया, बैक कर दो, तो इतना हमने वाउचर में कर दिया। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, कुछ लेजर बना लेते हैं, जैसे कि हमें अब जब हम बनाएंगे तो उसमें हमें पैकिंग करने का खर्चा लगेगा, है ना, फिर जो मजदूरी होगी वो भी हम देंगे, तो वो सब भी तो हमें जोड़ के कॉस्ट में लगानी होगी ना, ये हम किस लिए बना रहे हैं, कॉस्ट तय करने के लिए कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसमें लागत कितनी लगी है। एक तो होता है कि स्टॉक हमने रॉ मटेरियल कितना लगाया वो, और फिर हमने उसके बनाने के लिए जो खर्चे किए कि हमने मजदूर लगाए, उनको सैलरी दिया, कुछ भी करा, तो वो सब भी तो जुड़ेगा उसमें, तभी तो हम एक कॉस्ट तय करेंगे। तो यह हम उसके लिए क्या करेंगे, एक पैकिंग एक्सपेंस बना लेते हैं और एक लेबर चार्ज बना लेते हैं, दोनों डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस अब आप यहाँ पे क्लियर कर लोगे, देखो डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे क्लियर हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंस होता है कि जब तक आपको कोई प्रॉफिट ना हो जाए उससे पहले का जो खर्चा होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो अब ये खर्चा तो आप ऑलरेडी कर दोगे ना, आप अभी बना ही रहे हो,
अभी बेचा ही नहीं है तो खर्चा कर दोगे तो ये कहाँ पर जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। और जब आप इस प्रोडक्ट को बेचोगे और तब जो खर्चे करोगे वो कहाँ पर जाओगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये अंतर होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। और यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है देखो, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस आप दोनों को डालोगे और इनके लेजर आप ऐड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेजर में आ जाओ और दोनों लेजर बना लो, इनकी नीड होगी हमें, ठीक है। तो सबसे पहला पैकिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस बस करके और सेव कर देना। सेव, ठीक है। दूसरा क्या है, लेबर चार्ज। डायरेक्ट एक्सपेंस नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो इतना हमने जब यहाँ पे कर लिया तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें एंट्री बनानी है। एंट्री हम कहाँ पे बनाएंगे, ऑल्ट एफ सेवन में, ठीक है। क्योंकि हमने स्टॉक जनरल के अंडर ही बनाया ना, तो स्टॉक जनरल की क्या होती है, F7। तो F7 के अंडर हमने इसको बना दिया, तो ये इसको एक नई की मिलेगी ऑल्ट प्लस F7 के नाम से, ठीक है। उसके अंदर हमें जाके ये एंट्री बनानी है। तो वाउचर में जाओगे, बैक करो, वाउचर विंडो पे आओ, बैक एक और बैक, यहाँ पे वाउचर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ भी मिल जाएगा F7 के अंदर आपको, यहाँ पे स्टॉक जनरल मिल रहा है ना, स्टॉक जनरल। तो स्टॉक जनरल के अंडर ही तो हमने बनाया था मैन्युफैक्चरिंग जनरल, तो जो की स्टॉक जनरल की होगी वही की मैन्युफैक्चरिंग जनरल की होगी। तो ऑल्ट प्लस F7 आप दबाओगे, तो अब यहाँ पे देखो, अब इस की पे दो लोग हैं, है ना, स्टॉक जनरल भी है और मैन्युफैक्चरिंग जनरल भी है। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग जनरल पे क्लिक करके आगे बढ़ना, तो ये इसका सेटअप पूरा आ जाएगा, ठीक है, अपने आप आ जाएगा बिल नंबर, ठीक है। पर बिल नंबर तुम्हारा 101 नहीं आया है, कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, हमने स्टार्टिंग नंबर भूल गए, बैक करो, एक चीज़ हमने चेंज नहीं की। क्रिएट में जाओ, वो अल्टर में जाओ, अल्टर में और वाउचर टाइप में जाओ, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग जनरल होगा यहाँ पे कहीं, ये रहा। तो यहाँ पे हम यस करो, इसमें एडवांस वाले पे यस करो, तो ये जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर था ना, ये वन रह गया, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था ना, तो हमने इसको ध्यान नहीं दिया, 101 यहाँ पे भी करना था, ठीक है, बस सेव करो। तो अब ये कंट्रोल है सेव बैक, वो तीन डिजिट तो ले रहा है पर वो वन दिखा रहा था, ठीक है, तो अब नहीं दिखाएगा, अब आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस जो आ रहा था वो तीन डिजिट हमने क्यों कर दिया था, तो वो तीन डिजिट की वजह से दो को स्पेस में गिन रहा था, और हमने वहाँ पे स्टार्टिंग नंबर ऐड करना भूल गए थे। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे हम बताएंगे नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या है हमारा। नेम ऑफ प्रोडक्ट है बिस्लेरी, ठीक है, तो बिस्लेरी प्रोडक्ट हमने डाल दिया। अब यहाँ पे क्वांटिटी, अब हम कितनी क्वांटिटी के लिए कर रहे हैं यहाँ पे काम, वो हम यहाँ देख लेंगे कितनी क्वांटिटी के लिए कर रहे हैं। तो क्वांटिटी है 10 बॉटल, ठीक है। 10 बॉटल आप जैसी करोगे, इधर की चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 10 क्वांटिटी करनी है और यहाँ पे सारा भर के आ गया, ठीक है। तो 10 बॉटल बनाने में जो आपकी कॉस्ट है, केवल स्टॉक की कॉस्ट जो है वो आपकी 140 है, ठीक है। कितनी है, 140। तो अब यहाँ पे हम आ जाएंगे इधर, ठीक। तो इधर आएंगे तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगे थे हमारे के, पैकिंग चार्ज लगा, लेबर चार्ज लगा, तो वो सब हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताएंगे तो कैसे बताएंगे, आप पैकिंग एक्सपेंस सेलेक्ट करोगे, तो पैकिंग एक्सपेंस जब हमने सेलेक्ट किया तो अब वो कितना परसेंट है। अभी दो तरीके से दिया जा सकता है, या तो हम परसेंटेज से दें या फिक्स वैल्यू दें, ठीक है। तो परसेंटेज में अगर हमें देना है तो परसेंटेज किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी, इसके अकॉर्डिंग। अगर हमने यहाँ पे 2% लिखा तो 140 का 2% यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसा है। यहाँ पे 5% है और 20% है, ठीक है। तो यहाँ पे 5% डालोगे, ठीक है, तो 5% आ गया 7, और लेबर चार्ज हमारा कितना है, 20%। एंटर, तो लेबर चार्ज कहाँ है, देखो यहाँ पे लेबर चार्ज, और ये कितना है हमारा, 20%। तो हमने इतना दे दिया, तो ये निकल के आए इसके बेस पे, ये 140 का 20% है, ठीक है। इसके बाद ये 140 का 5% है। अब ये दोनों आ गए तो ये भी हमारे खर्चे हो गए, ये भी हमारी लागत हो गई, ठीक है। दोनों चीज़ हमारी लागत में हो गई हैं,
तो अब इन दोनों को मिला के जो हमारा बनेगा कितना बनेगा, 140 सात 147 और 8 155 और 20 175, तो 175 हमारी इफेक्टिव कॉस्ट होगी। ठीक है, ये दिख रहा है आपको 175 हमारी क्या है, इफेक्टिव कॉस्ट, जिसमें से जो हमारा एडजस्टमेंट कॉस्ट है वो कितना है, 35 रुपये। 35 रुपये कौन सा वाला कॉस्ट है, ये एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, एडिशनल कॉस्ट हमारे 35 रुपये हैं और 175 हो गए टोटल। स्टॉक की कॉस्ट कितनी थी, 140, एडिशनल कॉस्ट कितनी लगी, 35, तो दोनों को जोड़ा तो हमारा कितना बन गया, 175 हमारा 10 बॉटल के लिए क्या है, इफेक्टिव रेट है। यानी अगर हमें 10 बॉटल बेचनी है तो 175 से नीचे पे नहीं बेचनी है। अब यहीं से आपको एक बॉटल का रेट निकालना, तो 10 से डिवाइड कर दोगे यानी कि 17.5 रुपये की एक बॉटल बन गया ना, कॉस्ट कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो एक फीचर आप देख चुके हो, तो अब आपको जो बॉटल ये बेचनी है वो 17.5 से नीचे नहीं बेचनी, 18 में बेचो चाहे 20 में बेचो, जितने में बेचो, पर इससे नीचे नहीं बेचो। इससे नीचे बेचोगे आपको 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। ठीक है, लॉस में जाओगे। ठीक, तो इसके आपको एक फीचर आपको यहाँ पर दिखने को मिल गया। अब नेक्स्ट करो, एक फीचर अभी हमने इसको देख लिया, सेव करो। तो अब हमने एक फीचर देख लिया, दूसरा फीचर क्या था BOM का, दूसरा फीचर ये था कि रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन करना, कि कितना हमने प्रोडक्शन में यूज कर लिया है और कितना अब हमारे पास बचा हुआ है। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, स्टॉक समरी में जाएंगे, बैक करके और यहाँ पे जाएंगे हम स्टॉक समरी में। तो स्टॉक समरी में हम देखेंगे कि देखो अब सबकी 10-10 क्वांटिटी बची हुई है। पहले कितनी थी जब हमने ऐड किए थे, 20-20 क्वांटिटी थी, 20-20 क्वांटिटी थी। तो ये हमारे रॉ मटेरियल, देखो कैप के 10 क्वांटिटी बचे हैं और 10 ये। ठीक है, और जो हमने बिस्लेरी बोतल बनाई है ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। तो मेन प्रोडक्ट हमारे पास शुरू में कितना था, 0 था, और अब इसमें क्या हो गया, ये 10 ऐड हो गया। ठीक है, और इसका रेट भी लिख के आ गया 17.5 रुपये के रेट से आ गया। ठीक है, तो ये इसमें ऐड हो गया सारा, और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से माइनस हो गया। तो यहाँ से अब आपको पता भी चल जाएगा कि आपके पास कितना रॉ मटेरियल बच रहा है, किसकी कमी हो रही है, कौन सी चीज़ यहाँ पर हमें लेके आनी है। ठीक है, और अब आपको ये भी पता रहेगा कि कितना हमारे पास प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट कैलकुलेशन हो रही है कि रॉ मटेरियल से हमने कितना प्रोडक्ट बना लिया और अब हमारे पास कितना रॉ मटेरियल है और आगे हम कितना प्रोडक्ट बना सकते हैं उससे, तो हमें कितने दिन तक का हमारा काम चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आप मेंशन हो रही है। ठीक है, तो इनको आप यहाँ से डिटेल में भी देख सकते हो, थोड़ा यहाँ से कुछ डिटेल मिल रही है, ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है सब हमारे पास। ठीक है, तो इतना हमारा काम होता है BOM। ठीक है, तो BOM के दोनों फीचर हमें देखने को मिल गए, यहाँ पे दो फीचर के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, कंप्लीट, समझ आ गया। अब इसमें देखो एक आया था जो वाउचर टाइप, उसको मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ क्योंकि उससे आप थोड़ा इफेक्टिव वर्क कर सकते हो। तो वाउचर टाइप जैसे मैंने बताया कि इसमें एक एडवांस वाला फीचर आ रहा था, बिल नंबर ऑटोमेटिक आ रहा था, तो वो काम करके हम थोड़ा अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो अल्टर में अगर हम जाएँ और यहाँ पर अगर हम वाउचर टाइप देखें तो यहाँ पे परचेज सेल के भी होंगे और परचेज सेल में हमें डालना ही पड़ता है इनवॉइस नंबर वगैरह ये सब। तो हम यहाँ पे परचेज़ में आ गए और यहाँ पे एडवांस वाले पे हम गए और यस कर दिया, यस करो। ठीक है, तो यस करेंगे तो इसमें भी सेम ऐसे ही खुलेगा और यहाँ पे भी हम अपना बना सकते हैं नंबर। जैसे कि अब यहाँ पे हम दे दें कि हमें 1 से लेकर 100 तक करना है, तो 1 हमारा स्टार्टिंग नंबर है और हमारी जो विड्थ होगी वो किससे होगी, 3 डिजिट से होगी। और जब हमारे पास 3 डिजिट ना हो तब हम आगे 0 लगाएंगे, यानी कि जैसे अगर 1 है तो 001 दिखाना है, तो उसके लिए इसको यस करोगे। ठीक है, ये इसके लिए होता है। तो अब यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग नंबर 1 ही रहेगा, पिछले केस में हमारा 101 था, तो ये तो हमारा सेम ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अब जैसे कि ये देखो यहाँ पे हम अगर ईयरली ना रख के मंथली रखें, तो मंथली अगर रखते हैं तो हमारे जैसे ही मंथ चेंज होगा ये दोबारा 1 से चालू होगा। अगर हमारे पास ज़्यादा वो है प्रोडक्ट है, हमारे यहाँ ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, तो मंथली कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, क्योंकि मंथली आपके एक मंथ में 100 निकल जाते हैं, तो 100 निकल जाते हैं तो आप 1 से 100 तक रखो और इसमें अपना 100 का लगा के मंथली आप चेंज करो इसे। तो मंथली हमने कर दिया, अभी हम देखेंगे ये चेंज होता है कि नहीं, तो मंथली कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि हमने अब इसके आगे प्रीफिक्स लगाया, प्रीफिक्स से तो हम ये लगाएंगे PUR। ठीक है, PUR लगा दो आप, प्रीफिक्स PUR लगाया। ठीक है, एंटर करो। अब हम यहाँ पे सफिक्स क्या लगाएंगे, सफिक्स ये लगाएंगे कि अब हम मंथली चल रहे हैं ना, थोड़ा मंथ मेंशन कर लेते हैं। तो मंथली चल रहे हैं तो यहाँ पे हम जो प्रीफिक्स लगाएंगे, तो यहाँ पे हम प्रीफिक्स क्या लगाएंगे मंथली के लिए,
तो मंथली के लिए हमें 12 मंथ का यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मंथली के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अभी जैसे अप्रैल का है तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ए लिख देते हैं, ठीक है, ए और 23-24, ठीक है, -24, और ए से पहले एक स्लैश लगा लो, तो ए से हमें थोड़ा इंडिकेट मिल जाएगा कि हाँ अप्रैल का, अगस्त भी आ गए। हाँ तो उसको ए यू कर लेंगे ना, थोड़ा अलग अलग ना कर लें। नहीं ए कर लो, ज़्यादा बड़ा करोगे बिल नंबर, इतना बड़ा थोड़ी ना करते हैं, इस वजह से मैं छोटा कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। ए के बाद लगाया है तुमने, और यहाँ पे पी यू आर है, और यहाँ यहाँ भी लगाओ, ए से थोड़ा पहले लगा दो, ठीक है। ठीक है ये बना दिया, हम 2 मंथ के लिए देख लेते हैं क्योंकि अब 12 का बनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरे मंथ में ये आ रहा है, अब ये दूसरे मंथ में आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अब मई के लिए लगा देते हैं, तो अगर हम मई में पहुँचे तो हमारा क्या होना चाहिए, तो इससे थोड़ा और बेनिफिट हो जाता है कि हमें मंथ भी पता चल जाएगा बिल नंबर देखते ही कि हमारे कौन से मंथ का है, ठीक है। मंथली कर दिया, इसके बाद अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे भी हमारा एक मई से हो जाएगा, ठीक है, एप्लीकेबल 1 मई से होगा। तो यहाँ पे हम पी यू आर तो सेम रखेंगे, पी यू आर लिखो, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर यहाँ 1 मई करेंगे और आपके एम लिख देंगे बस एक ही जगह पे, और हमारा काम बन जाएगा, स्लैश एम, ठीक है, /m 2324, ठीक है। तो ये हमने 2 मंथ के बना के देखे, ठीक है, और हमारा एक से लेके आगे तक जाएगा और 001 करके आएगा, इतना करके आप सेव कर दो ऐसे। तो ये बना के रखा जाता है बहुत सारी जगहों पे, और वहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर सेव आता है, सेव करो दोबारा, अभी से भी तो सेव करो, इस स्क्रीन को सेव करो ना, वो तो सेव हो गया, ये स्क्रीन भी तो सेव होगी। अब हम देखते हैं परचेज वाली एक दो एंट्री बना के बैक करो। तो जैसे हम गए यहाँ पे वाउचर में और परचेज की एंट्री हम बना रहे हैं, F9 दबाओ, तो F9 आप दबाओगे तो यहाँ पे देखो आ गया PUR001A 2324, क्योंकि आप 1 अप्रैल अपडेट चेंज करो, 1 मई करो, 1/5 कर दो, एंटर करो PUR001M2324, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये नंबर चलता रहेगा और आपका एक झंझट ख़त्म होगा, ठीक है, कि ये नंबर हमें बार बार डालना पड़ेगा, ठीक। पर आपको ये परचेज में नहीं बनाना है क्योंकि परचेज आपके कंट्रोल में नहीं है, सेल आपके कंट्रोल में है, परचेज तो दूसरे के कंट्रोल में है ना, वो जो नंबर देगा वो डालना, ठीक है ना, तो वो जो नंबर देगा वो आपको डालना, सेल हमारे कंट्रोल में, तो सेल हम ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी काम की है, ठीक। तो ये वाउचर टाइप भी हो गया, ठीक है।